इधर माताएं बेटियों को गोद में लेकर कहती हैं, लाली केवल एक बात, एक बात, आप अपने घर जा रही हो ना, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। क्या? होए हो संतत प्रिय ही प्यारी और चिरु अहि बात अशीष हमारी। बेटी आप अपने पति को सर्वदा प्रिय होइएगा और आपका जो सुहाग है ना ये अखंड बना रहे, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। माताएं कहती हैं पति की प्रियता कैसे प्राप्त होगी, भाई पति की प्रियता कैसे प्राप्त होगी, तो उपाय बताती हैं माताएं कैसे। सास ससुर गुर सेवा करे हो पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो। सास ससुर श्रेष्ठ जनों की सेवा करना है और पति को किसी बात के लिए बोलना न पड़े, आप अपने पति के नेत्र को देखकर समझ लेना आपके पति आपसे क्या चाह रहे हैं। इधर चक्रवर्ती जी ने राम जी से कहा, राम जाइए अपने सासु माता जी से विदा मांग कर आइए। राम जी भाइयों को लेकर गए हैं। समय जानकर राम जी ने सुनैना जी से कहा, मां पिताजी बरात लेकर वापस जाना चाहते हैं, मुझे आपके पास विदा मांगने के लिए भेजा है। मां एक बात कहें, मां सीता आपकी बेटी है, समाज की दृष्टि में मैं आपका दामाद हूं, लेकिन मां एक बात कहें, आप राम को अपना दामाद नहीं, राम को अपना बेटा समझिएगा। और मां जिस प्रकार आप अपनी बेटी को नहीं भूल पाएंगी ना, जीवन में कभी मां आप मुझे भी मत भूलिएगा। क्यों? जिसको माता पिता भूल जाए उसके लिए संसार में दूसरा ठिकाना कहाँ मिलेगा। मां राम जी की इस विनम्रता भरी वाणी को सुनकर सुनैना जी विह्वल हो गए। राम जी को मां ने गले लगा लिया, बोली, राम लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो, यदि राम तुम भगवान हो बेटा फिर तो आप सब जानते हो, आप ये भी जानते हो कि मैं महाराज मेरा परिवार हम सब लोग अपनी बेटियों को कितना प्रेम करते हैं। राम आप सब जानते हो, मैं केवल एक बात कहूंगी राम, मेरी बेटियां अभी अबोध हैं, बहुत छोटी हैं, यदि उनसे कोई अपराध हो जाए ना तो आप ये समझना अपराध सीता से नहीं, अपराध सीता की मां सुनैना से हो गया है और आप मेरी बेटियों को क्षमा कर दीजिएगा।